एचक्यू 19 लाकर शेख ही बघार रहा था चीन। भारत ने लाकर दिखाया उसका बाप ऐसा शस्त्र कि चीन के हौसले पस्त। ये वो घातक शक्ति है जिसे देखकर खुद अमेरिका के भी छूटे पसीने। दोस्तों, इस समय पूरी दुनिया में हथियारों की एक अद्भुत और खतरनाक दौड़ चल रही है, जहां हर महाशक्ति खुद को दूसरे से ताकतवर बनाने के लिए नए नए डिफेंस सिस्टम, भविष्य की मिसाइलें और अगली पीढ़ी के फाइटर जेट्स पर काम कर रही है। और इस दौड़ में चीन ने एक नया दांव चला है, HQ-19 मिसाइल डिफेंस सिस्टम। चीन इसे इस तरह से पेश कर रहा है जैसे यह अमेरिका के थार्ड और रूस के S-400 से भी कहीं ज्यादा शक्तिशाली हो। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि चीन ने कभी भी इस सिस्टम की कोई तस्वीर नहीं दिखाई और ना ही इस हथियार के परीक्षण का कोई विश्वसनीय सबूत जारी किया है? फिर भी चीन अपनी सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स के जरिए ये दावा कर रहा है कि यह 50 साल आगे की तकनीक है और यह किसी भी बैलिस्टिक मिसाइल को अंतरिक्ष में ही जलाकर राख कर सकता है। दोस्तों, रिपोर्ट्स के अनुसार इस महीने के अंत में चीन अपने HQ-19 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को जोहाई एयर शो में दुनिया के सामने पेश करने वाला है। अब ये सवाल उठता है, अगर मान लीजिए चीन ने वाकई में एक शक्तिशाली डिफेंस सिस्टम तैयार कर लिया है, तो क्या ये भारत जैसे देशों की सुरक्षा के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकता है? क्या हमें चीन के इस कथित शक्तिशाली डिफेंस सिस्टम से सचमुच डरने की जरूरत है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत के पास इस तरह के हमलों का मुकाबला करने के लिए कोई प्रभावी तैयारी है? दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि भारत हर मोर्चे पर चीन और पाकिस्तान को उनकी असलियत दिखा सकता है, तो इस वीडियो को लाइक करना तो बनता है। फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में जय हिंद लिखना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि जय हिंद कहना सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि हर भारतीय का गर्व है। दोस्तों, चीन का HQ-19 मिसाइल डिफेंस सिस्टम जाए भाड़ में। चीन चाहे इस सिस्टम की धमक अमेरिका को दिखाए, रूस को दिखाए या फिर उन देशों को दिखाए जो अभी तक इस तरह की तकनीक विकसित नहीं कर पाए हैं, लेकिन भारत ने बहुत पहले ही वो कर दिखाया जो चीन महज धमकी दे रहा है। भारत के वैज्ञानिकों ने चीन के HQ-19 से कहीं ज्यादा शक्तिशाली और अजेय डिफेंस सिस्टम तैयार किया है, जिसे उन्होंने अपनी वज्र कवच में शामिल कर लिया है। जहां चीन अभी तक अपने HQ-19 सिस्टम के महज बड़बोले दावे कर रहा है, वहीं भारत ने इस डिफेंस सिस्टम को टेस्ट करके स्पेस में दुश्मन के टारगेट को सफलतापूर्वक नष्ट कर दिया है। भारत का ये वज्र कवच अब दुनिया का सबसे प्रचंड और अजेय डिफेंस सिस्टम बन चुका है, जो चीन और पाकिस्तान द्वारा छोड़ी गई बैलिस्टिक मिसाइलों को स्पेस में ही तबाह कर सकता है। और पूरी दुनिया इस तकनीकी शक्ति का लोहा मान चुकी है, जो दुश्मनों के हर एक हमले को नष्ट करने में सक्षम है। जब चीन और पाकिस्तान अपनी बेकार मिसाइलों से भारत को धमकी दे रहे हैं, तब भारत का ये शक्तिशाली डिफेंस सिस्टम उनके लिए काल साबित होने वाला है। दोस्तों, चीन और पाकिस्तान को ये समझ लेना चाहिए कि अब उनका कोई भी हमला भारत की ताकत के सामने टिक नहीं सकता। भारत का वज्र कवच उनके सारे दावे और गर्व को चूर चूर कर देगा। भारत का यह हथियार न केवल चीन और पाकिस्तान को नष्ट करने की क्षमता रखता है, बल्कि दुनिया को यह भी बता देगा कि भारत अब अपनी शक्ति में सबसे ऊपर है। दोस्तों, यह सिर्फ एक सुरक्षा कवच नहीं है, बल्कि यह भारत की प्रचंड शक्ति का प्रतीक है, जो दुश्मनों के दिलों में दहशत का कारण बनेगा। यह वो ताकत है जो चीन और पाकिस्तान जैसे दुश्मनों को हवा में ही नष्ट कर देगी और उन्हें उनकी असली औकात का आईना दिखा सकती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित किए गए स्वदेशी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम BMD शील्ड की, जो चीन के HQ-19 मिसाइल डिफेंस सिस्टम से कहीं अधिक शक्तिशाली है। आज पूरी दुनिया के सामने यह भारत की शक्ति का इशारा है और दुश्मनों के लिए यह खतरे की घंटी है। जैसे ही आप DRDO के इस BMD शील्ड की असली ताकत के बारे में जानेंगे, आपको यकीन हो जाएगा कि यह न सिर्फ किसी भी दुश्मन की बैलिस्टिक या क्रूज मिसाइल को नष्ट कर सकता है, बल्कि हर फाइटर जेट, ड्रोन और हवाई लक्ष्य को हवा में ही उड़ा सकता है।
बीएमडी शील्ड भारत की धरती को एक अभेद्य किले में बदलने की क्षमता रखता है और यह दुश्मनों के लिए उनकी बेबसी का प्रतीक बन जाएगा। चीन और पाकिस्तान अपनी साजिशों और घातक मिसाइलों के साथ जो भी रास्ते पर चल रहे हैं, यह बीएमडी शील्ड उनका हर एक कदम नष्ट कर देगा। अब उन्हें यह समझ में आ जाएगा कि भारत के पास वो शक्ति है जो उनके किसी भी हमले का मुंह तोड़ जवाब दे सकती है, और यही कारण है कि बीएमडी शील्ड चीन और पाकिस्तान के लिए काल साबित होगा। जब तक यह शील्ड भारत की सीमा पर है, तब तक कोई भी दुश्मन, चाहे वो चीन हो या पाकिस्तान, भारत की तरफ आंख उठाने की जुर्रत नहीं कर सकता। तो दोस्तों, भारत के इस अजेय शस्त्र को सलाम करें, क्योंकि यह शस्त्र दुश्मनों को धूल चटाने और भारत को अभेद्य बनाने का सामर्थ्य रखता है। तो दोस्तों, कस लो अपनी सीट बेल्ट, क्योंकि अब वक्त आ गया है उस रहस्य से पर्दा उठाने का। अगले कुछ ही पलों में हम जानने वाले हैं वो राज जो दुश्मनों के होश उड़ा देगा और हमारी ताकत पर हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा कर देगा। तैयार हो जाइए, क्योंकि असली खेल अब शुरू होने वाला है। अब कमर कस लीजिए, क्योंकि अगले ही कुछ पलों में आप जानेंगे कि कैसे भारत का बीएमडी शील्ड चीन के HQ-19 के हर खोखले दावे को धूल चटाने का दम रखता है। यह है वो अभेद्य कवच जो चीनी सिस्टम के हर दांव पेच को तहस नहस करने की ताकत रखता है। तैयार हो जाइए, क्योंकि जो सामने आने वाला है वो दुश्मन के हौसले पस्त कर देगा। दोस्तों, चीन के HQ-19 डिफेंस सिस्टम की ताकत की बातें भले ही सुनने में बड़ी लगती हों, लेकिन असली खेल तो भारत का बीएमडी शील्ड खेलता है। ये केवल सुरक्षा कवच नहीं, बल्कि वो अजेय दीवार है जो चीन के हर दावे को ध्वस्त कर देती है। चीन दावा करता है कि उनका HQ-19 अमेरिका के थार्ड और रूस के S-400 से भी अधिक शक्तिशाली है, लेकिन हकीकत यह है कि भारत का बीएमडी शील्ड इनसे कई कदम आगे बढ़ चुका है, जो दुश्मनों के इरादों को धराशायी करने की ताकत रखता है, क्योंकि इसकी 3000 किलोमीटर की रेंज है और यह दुश्मन की बैलिस्टिक मिसाइलों को रास्ते में ही नष्ट कर देने की क्षमता रखता है। लेकिन दोस्तों, क्या यह चीन का सिस्टम भारत के ताकतवर बीएमडी शील्ड के सामने टिक सकता है? आइए इसे विस्तार से समझते हैं और देखते हैं कि कैसे भारत का बीएमडी शील्ड चीनी डिफेंस सिस्टम से कई गुना आगे है। अगर हम चीन के HQ-19 डिफेंस सिस्टम की बात करें, तो यह एक सिंगल लेयर बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जो 3000 किलोमीटर की दूरी तक काम करने में सक्षम है। इसका मतलब यह है कि यदि कोई दुश्मन मिसाइल इस सिंगल लेयर सिस्टम को पार कर लेती है, तो वह चीन के क्षेत्र में सीधे तबाही मचा सकती है। वहीं दूसरी ओर भारत का बीएमडी शील्ड मल्टी लेयर सुरक्षा प्रदान करता है, यानी कि यह कई स्तरों पर देश की रक्षा करता है। इसका मतलब यह है कि अगर किसी दुश्मन की मिसाइल पहली लेयर को चकमाते भी देती है, तो भी भारत का भूभाग सुरक्षित रहेगा, क्योंकि दूसरी लेयर में मौजूद मिसाइल उस खतरे को खत्म कर देगी। इस प्रकार भारत के बीएमडी शील्ड में 4 से 5 परतें हैं जो इसे अभेद्य बनाती हैं। आपको बता दें कि बीएमडी शील्ड के पास 2 मुख्य सुरक्षा परतें हैं, पृथ्वी एयर डिफेंस और एडवांस एयर डिफेंस। हर परत में 2 से 3 प्रकार के इंटरसेप्टर शामिल हैं, जो एक ही समय में अलग अलग ऊंचाइयों पर दुश्मन की मिसाइलों को रोक सकते हैं। पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम लंबी दूरी से आने वाली मिसाइलों को 6000 किलोमीटर की दूरी से निशाना बनाने की क्षमता रखता है, जिससे यह इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों को भी रोक सकता है। वहीं एडवांस एयर डिफेंस कम ऊंचाई पर आने वाली मिसाइलों को 40 किलोमीटर की ऊंचाई तक रोकने में सक्षम है और तुरंत उसे नष्ट कर देता है। इसी मल्टी लेयर सुरक्षा की विशेषता भारत के डिफेंस सिस्टम को चीन के सिस्टम से कहीं अधिक शक्तिशाली बनाती है, क्योंकि यदि कोई मिसाइल पहली परत को पार भी कर ले, तो दूसरी परत उसे हवा में ही नष्ट कर देगी, जबकि चीनी डिफेंस सिस्टम इस तरह की दोहरी सुरक्षा देने में सक्षम नहीं है। इसके अलावा चीन के HQ-19 की तुलना में भारत के बीएमडी शील्ड का AD-1 और AD-2 इंटरसेप्शन सिस्टम कहीं अधिक तेजी से प्रतिक्रिया करता है। पैड मिसाइल की गति लगभग 6174 किलोमीटर प्रति घंटा है,
जो किसी भी बैलिस्टिक मिसाइल को नष्ट करने के लिए पर्याप्त है। जहां चीन का HQ-19 धीमी प्रतिक्रिया और सीमित रेंज के साथ बस दिखावा करता है, वहीं भारत का BMD शील्ड एक असली महाबली की तरह 6000 किलोमीटर की दूरी से भी दुश्मन की मिसाइल को हवा में ही ध्वस्त कर सकता है, और वो भी पलक झपकते ही। यह भारतीय शील्ड दुश्मन को जवाब देने में देर नहीं करता, बल्कि उसकी हर चाल को उसी वक्त धूल में मिला देता है। इस एडवांस्ड BMD शील्ड की एक और खासियत यह है कि यह केवल बैलिस्टिक मिसाइलों तक सीमित नहीं है, यह इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों को भी आसानी से नष्ट करने में सक्षम है। इसके अलावा दोस्तों, अगर कोई देश ये भूल कर भी भारत पर न्यूक्लियर मिसाइल दागने की हिमाकत करता है, तो हमारी ये वज्र कवच प्रणाली उसकी मिसाइल को हवा में ही राख में बदल देगी। भारत के नागरिकों को छूना तो दूर, उसका धुआं भी यहां तक नहीं पहुंच पाएगा। यही वो शक्ति है जिसने भारत को एक अजेय वैश्विक महाशक्ति के रूप में स्थापित कर दिया है। अब दुनिया जान चुकी है भारत के खिलाफ सोचना मतलब तबाही को दावत देना। दोस्तों ध्यान से सुनिए, जब बात होती है तकनीकी शक्ति और सुरक्षा की, तो एक नाम भारत के डिफेंस सिस्टम का सबसे आगे आता है, BMD शील्ड। और जब इसे चीन के HQ-19 से तुलना की जाती है, तो यह दिखता है कि भारतीय तकनीक और सुरक्षा कितनी उन्नत है। अब चीन का HQ-19 सिस्टम भले ही अपनी शक्तियों का ढिंढोरा पीट रहा हो, लेकिन यह केवल हवा में बात करने जैसा है। BMD शील्ड तो एक ऐसी तकनीक है जिसे दुनिया भर के रक्षा विशेषज्ञों ने सराहा है, और यह सिर्फ हमारा दावा नहीं बल्कि पूरी दुनिया का मानना है कि चीन का HQ-19 सिस्टम धीमे इंटरसेप्शन प्रोसेस के कारण दुश्मन के हमलों से सही समय पर निपटने में सक्षम नहीं हो सकता। जबकि भारत का BMD शील्ड तो मल्टी लेयर डिफेंस के साथ अपनी सुरक्षा को पुख्ता करता है। हर एक परत दुश्मन की हर एक मिसाइल को नष्ट कर देती है, चाहे वो बैलिस्टिक मिसाइल हो, क्रूज मिसाइल हो, ड्रोन हो, या फिर कोई भी हवाई लक्ष्य। यह सिस्टम हर मोर्चे पर दुश्मन के हर हमले को नाकाम करता है। पैड और AD सिस्टम मिलकर भारत को एक मजबूत किल प्रूफ सुरक्षा कवच प्रदान करते हैं, जो दुनिया के किसी भी ताकतवर देश के मुकाबले कहीं अधिक प्रभावी है। क्या आपको लगता है कि HQ-19 भारत के इस अभेद्य किले का मुकाबला कर सकता है? नहीं, क्योंकि भारत का BMD शील्ड न केवल हमारे देश के प्रमुख शहरों और सैन्य स्थलों की सुरक्षा करता है, बल्कि यह पूरी तरह से भारत को एक मजबूत किले में बदल सकता है, जहां कोई भी बाहरी हमला कभी असर नहीं डाल पाएगा। और जानिए, जब बात आती है आत्मनिर्भरता की, तो चीन का HQ-19 नकल से ज्यादा कुछ नहीं है। यह अमेरिकी तकनीक का एक सस्ता कॉपी वर्जन है, जबकि भारत का BMD शील्ड पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक पर आधारित है। यह हमारी आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। हम अब वह राष्ट्र बन चुके हैं जो अपने डिफेंस सिस्टम्स में पूरी तरह से आत्मनिर्भर है। तो दोस्तों, चीन का कॉपी किया हुआ HQ-19 और भारत का अत्याधुनिक BMD शील्ड में से कौन सा सिस्टम ज्यादा ताकतवर है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, जय हिंद।